Maha Abdul Masuru, lecturer in Sindhi subject at Government Boys Degree College, Mumbai. Mujo Ajo Purwana hai Khalifu Gulmandul, Jeko Interjay Sindhi course of in the Lahi. Khalifu Gulmandi Gul Puran Haranju Rahu, Sandaste Viladat, Sandu Paransa, Shami Ati, Vimutabi Karamsa, Patta Isiri, Halamati. संदस से वड़ा हालन जा सामनी बोलना आपू दंजे नाले सां सुनाता मिला हुआ खलीफे गुरमन बुलले शुरा की तैली में पांचे अपानी मकतब महासुर के पान सिंधिया संगरों पर अरबी में फारसी में भी चंगी महारत हासिल कर लें खलीफो गुरमन दे बुल जा वड़ा पीस से पागारे जा मृदवा में संदस से वाल पिने खलीफ संदस वाल जी ने वफात का कोई खिलाफत जी पग खेस विरसे में आए जिन करे खलीफ गुल मोहम्मद गुल सज्जन लगे खलीफ गुल मोहम्मद गुल के इहो मकाम हासिल आए ते हु पेरो सिंधी साहिब दीवान शायर आए पाण सिंधी शायरी में अरब में जे काफिर ते सिंधी शायरी कई थाई संदस से शायरी में उरुजी शायर समायल है जैमें वजन बहर जो खास ख्याल रखल है खलीफे गुल मोहम्मद गुल के शायरी की बी वही खासियत यह है तो पान ठेठ के माहौल में सिंधी माहौल में सिंधी अल्फाज इस्तला इस्तेमाल किया था खलीफो गुल मोहम्मद गुल ने बॉम्बे मां पांचो दीवान नेतु के शपराए उधरो कयो आखिरी इहन में 47 साल की उम्र में 1855 ईस्वी में अरबस्तान ना हजरत लाए रवाना थियो जिते मक्का मुकरमा में संदस इंतकाल थियो खलीफो गुल मोहम्मद गुल सिंध जे बर धर झंग झर गोठ वाहण ए शहर के चंगे नमूने से घूम दिखो इो ही सबब है जो संदस शायरी में सिंध की तहजीब तमदन ए सकाफत नजर अचे थी संदस शायरी में सिंधी सकाफत निर्वाह है खलीफे गुल मोहम्मद गुल के शायरी के इखलाकी शायरी की हैसियत हासिल है हाँ माँ खलीफे गुल मोहम्मद गुल जो भी गजल देखो पेश कर मैं अशी गजल है माना पेश कर नी रंग वाद पढ़े मंजे झुक झुक नी रंग वाद पढ़े मंजे झुक झुक इश्क वाद बद बदे मंजे रुसर लुक नी रंग माना नीरू रंग वाद पढ़े वधिक कटे तो रंग वधिक कटे तो मंजे झुक झुक छुक छुक मीन्स पत्तो रण या मेट नीलो रंग मेटण से वधिक चिटो थे तो निर्वार थे तो अना वधिक जाहिर थे तो चिटो थे तो इश्क वारो वध वधे मंज रुसल वध मंज रुसल वध माना पको है अड़ी तरह इश्क वारो माहू में इंसान में इश्क की राह ते हली पांजो पान के तकलीफ में वे विझी अना वधिक पको है थे तो इश्क के आवी में बच्चे अना वधिक पको है पको थे तो हम से तो कई को गुरु मन गुरु फरमाए तो त जिए नीरो रंग मेटन सा अना वधिक निर्वार थी हुआ वधिक चिटो थी हुआ एड़े तरीके सा इश्क वालो मान में इश्क के बठिए में बच्चे अना वधिक पको है पको थी हुआ इते नीरे रंग सा खलीफो गुल मोहम्मद गुल मिसाल दी फरमाई तो ते जी नीरो रंग वधी कर निकले तो एड़ी तरह हकीकी मालिक जे इश्क में भी जको बंदो आ तकलीफ सहे तो दुख लो जरा सहे तो अन्या वधी कर वो पको पे पुख्तो थे तो ए हकीकी मालिक जी मंजिल माने तो पानी ते टके तपे जी जी तो पानी ते टके तपे जी जी कुनो थोर जे नी खार जी ने सामे उब पानी ते टके तपे जी 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 पानी ते कुनो टकंदो आ तपंदो आ
तो रजे के खाद खाद मीन से खाद जिए सामे सामे माना साझो बदगर उगर इस बाप जिए असा उने जी बाप बंद करता है उन्हें खाद वधिक है अग में वधी पच्ची क्या थी इन सूत्र में खाली को बुलंद मतलब फरमाई तो ते जिए पानी के उनो तकदो आ तकदो आ ए जिए असा उने जी बाप बंद करता है ते तीए को खाद अग में या जल्दी पच्ची क्या थी ظاہری طور تمہارا ایا ہے پر خلیفہ بلند من بل جے ہن سدرن میں اساں کے جکا معنی حقیقت جی معنی نظر اچے تھی وا ایا ہے تے جیے پانی تے انو ٹھکے تپ تھی اے جیے حقیقی مالک جا جکے بندہ ہیں اوہے حقیقی مالک جے راہ تے ہلی کرے ان وچ جکی تکلیف ہے انن کے جے باپ واں پاچے اندر میں سانن تھا वो राज घर के काम सा था सर एड़े नमूने सा उहे अन्या वधिक अग में पक्का ए पुख्ता थन हकीकी मालिक जे राह ते काम सकता थन अन्या वधिक उनन में रंग निर्वार थी तो हकीकी मालिक जो भून मिच्छे ते था थन मुख उड़ा भून मिच्छे ते था थन मुख उड़ा गा भी है बेला कलर में चुबत इन में मात्र मीनिंग बदल दो ना भून माना धरती या जमीन है मिच्छी है ना पोखू पड़ा मिच्छी जमीन है मिच्छी धरती है पोखू ऐ पड़ा मेंस है पोखू तिच्छन फसल ताच्छन बूटा ताच्छन ऐ उन संगलों गर्दन मेवा ताच्छन गा भी है गा भी है मिस सावा गा बेला अलग ऐ तुबत है पर जगार का तुबत तुबत मेंस जेका घटबद जमीन है जेका कलाठी ए घटबद जमीन है उनते फकत गा थिदाई बेला थिदाई सावा थिदी आहे पर उते फ्रूट नाही थिदो उते मेवो नाही थिदो उते फसल नाही थिदा उते पोख नाही थिदा खली को बोल 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 हिंस तुमने फरमाया तो त जेका मिठी जमीन है उते फसल भी थिदा है उते फ्रूट भी थिदो आ मेवो भी थिदो आ उते पोख भी थिदो पर जेका जमीन कलाठी ए घटबद हुंदी आ सीधी न हुंदी आ उते फकत गा ऐं फुटंदो आहे बेला थींदा आहिनि इन सिफ़ुनि में ख़लीफ़े गुलमन गुल जो इशारो उन सोबत जो आहे चङी सोबत जो आहे त जेकॾहिं इंसान खे चङी सोबत मिले थी त पोइ उन सोबत में हू चङी राह ते गामज़न थिए थो ऐं पची रास थिए थो फ्रूट फिर थे तो मेवेदार इंसान थे तो अल्लाह ताला जो प्यारो बंदो थे तो पर जेकर उनके वो रस्तो नथो मिले जेकर के बे रस्ते में वने थो तो पोयो वो ही मेवो हुंदो जंहिं तरफ़ हू वञे थो जंहिं बुराई जे तरफ़ गामज़न हूंदो त उहो बुराई जे तरफ़ ई वेंदो जेकॾहिं भलाई जे तरफ़ गामज़न आहे त उनखे पल में भलाई पवंदी थी पकी आदत वञे जा थी पकी आदत वदे जा तो मुझे थ्या पकी पुख्ता कच्ची पया जेके उग इन सफर में खाली को बुलंद मंदे बुलंद फरमाई थी बचे का नंढे हुंदे इंसान के आदत पवे थी वह वडे हुंदे अन्या पकी है पकी थी वह अन्या वदे का मजबूत थी थे था थ्या पकी पुख्ता कच्ची पया जेके उग कुपर में इस मकड़ या बिगाड़ कर जेके नंढे हुंदे डिगार पे या गलत ते सोबत है उहा वडे हुंदे अञा पक्की ऐं पुख्ती थी हिन सिर में ख़लीफ़े गुलमन गुल फरमाए थो त जेका नंढे हुंदे इंसान खे आदत पए थी उहा वॾे हुंदे अञा पकी ऐं पुख्ती थी मिसाल जेकॾहिं हिकिड़े नंढे ॿार खे हिकिड़ो माहौल मिले थो निमाज़ पढ़े थो ऐं हिकु सुठी इबादत करे थो अलाह ताला जे राह ते नंढे हूंदे खां वठी हुनखे तरबियत मिले थी हलण जे हक़ीक़ी मालिक खे जे राह सुञाण थी त वॾे हूंदे उहा आदत अञा वधीक पकी ऐं पुख्ती थिए पर जेकॾहिं नंढे हूंदे खां ई वठी उन में वकड़ आहिनि उन में निगाह पए हिकु ग़लति रस्तो अख़्तियार थियल आहे त उहा ख़राबु आदत उहा ब्राइट आदत वॾे हूंदे अञा पकी ऐं पुख्ती थिए थी कीन निकिरनि खां सलाह साल हूंदे कीन निकिरनि खां सलाह साल हूंदे जिते हुजे भूम धरती
जिते खडा हुजन जिते घटो हुजे ज़मीन ऐं खुब खुब बि मींस खॾा या घटि वधि जेका ज़मीन हुजे खोड़ो मींस आहे सख़्तु ज़मीन ऐं खुब खुब मींस जिते घटि वधि ज़मीन हुजे खॾा खॾा हुजनि हिन सिंध में वरी पोइ गुरु अमर बि फरमाए थो त उते सालिम सलाह न आहिनि निकिरंदा उन जॻह ते सालिम सलाह न आहिनि निकिरंदा जिते ज़मीन सख़्त हूंदी आहे ऐं खब खब हूंदी आहे खॾा खॾा हूंदी आहे हकीकत में ख़लीफ़े गुलमंद गुल जो इशारो उन तरफ़ आहे त जेकॾहिं इंसान खे बुरी सहूलियत मिली त उते सचाईअ जा उते सुठाईअ जा सालिम सलाह निर्वाह न थींदा ज़रखेस न थींदा फुटंदा न ऐं जिते जिते हुजे को गाह करणो ऐं जिते ज़मीन खुब खुब हुजे ऐं गाह हुजे ऐं सख़्त ज़मीन हुजे उते सलाह सालम न फुटंदा उते हिकिड़ो इंसान जेको आहे उहो सही रस्ते ते गामज़न न थी सघंदो में कीअं विझे लिख तुर्त में तर तक में कीअं विझे लिख तुर्त में पेर में गुल जंहिंजी लिखी आहे गुब गुब में लिख जेका वॾी लिख थींदी आहे उनखे असां गुब चवंदा आहियूं या असां खम खणी असां चऊं हिन सिद में ख़लीफ़ो गुरु अमर गुल फरमाए थो त जंहिं इंसान जे पेर में गुब हुजे उहो तर तकड़ में या जल्दीअ में नथो वञी सघे ज़ाहिर तौर त माना इहा आहे पर हक़ीक़त में ख़लीफ़े गुल अमर ते गुल जो इशारो इंसान ते आहे त इंसान खे अलाह ताला पैदा कयो आहे ऐं हुनखे घुरिजे त पंहिंजो क़दम संभाले आस्ते आस्ते हले सोचे सम्झे हले ॿाहिरि मौको न वठे छाकाणि त तर तकड़ में कीअं विझे लिख छाकाणि त अलाह ताला इंसान खे हर क़दम सोची सम्झी खणण तां जो ताक़ीद करे थो जो मक़सदु आहे त अलाह ताला इंसान खे अहिड़ी तरह पैदा कयो आहे हुनजो पेर जी बराबरि अहिड़े नमूने सां कई आहे जीअं उहो आस्ते आस्ते खणे मींस सोची सम्झी खणे ॿाहिरि खणी करे हुनजो मक़सदु इहो आहे त जेको बि क़दम खणी सोची सम्झी खणे हुन उबार न करे छाकाणि त संदसि कामयाबीअ जो राज़ इन में समायल